हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बच्चों क्लास टेंथ का एपी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था सम ऑफ एंटम्स वाला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज है बच्चों 5.3, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज है बच्चों क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.3 बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन देगा बच्चों में थर्ड से, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बच्चों आप लोगों को जो पार्ट दे रखे हैं वो दे रखे हैं बच्चों 10 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो उन क्वेश्चनों को करने के बाद बिल्कुल सारे कंसेप्ट जो हैं उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। इतने के अंदर सब सारी जो रणनीति है उसकी वो सब के सब क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, कि कब कैसे किसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ से क्या निकलेगा, एन निकलेगा, एन को कहाँ पुट करना है, डी निकलेगा, कैसे क्या यूज़ करना है। तो बच्चों स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ सम ऑफ एन टर्म्स का। आप लोग खुद बोलिए सम ऑफ एन टर्म्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एक फॉर्मूला बच्चों ये पढ़ा था। एक फॉर्मूला और पढ़ा था जब हमें यहाँ पर nth टर्म पता होगा और जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं बच्चों। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन बाई टू ए प्लस एल, और एल ही क्या होता है हमारा लास्ट टर्म जिसको हम लोग एंथ टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे एन क्या बच्चों होता है टोटल उस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, ए क्या होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। एंथ टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एंथ टर्म जो जनरल टर्म कहलाता है लास्ट टर्म कहलाता है ए प्लस एन माइनस वन डी। आपको पता है ए हमारा बच्चों क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, और डी बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, दैट इज निकलता कैसे हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, एंड डी इज नोन एज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों यहां से, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और यही फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना, हर जगह यही फॉर्मूले होंगे। बस आपको ये देखना है वो किस तरीके से यूज होगा, कंडीशन थोड़ी सी डिफर की जाएगी ऊपर नीचे होगी, बस उन कंडीशंस को आपको समझना है और बाकी ये आपका थर्ड के 10 पार्ट करेंगे सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन कैसे कैसे जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट बच्चों। क्या दे रखा है बच्चों, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लें उसके अंदर देखें ना, ए दे रखा है बच्चों 5, डी दे रखा है आपको 3। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे लिख लो गिवन क्या है, ए आपको 5 दे रखा है, डी बच्चों आपको 3 दे रखा है, ठीक है। और nth टर्म दे रखा है बच्चों 50, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों फाइंड, बोला जा रहा है फाइंड n एन एस एन, आपसे n और एस एन पूछा जा रहा है। मैंने आपको अभी फॉर्मूले बताए 3-4, वही फॉर्मूले लिख लो। आपके पास बच्चों फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, एंथ टर्म दे रखा है, एंथ टर्म को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। आपसे एन पूछा गया और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आप लोगों से डी पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा हम लोग बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन करने का तरीका जो है। कोई बच्चा इसके अंदर ये भी कर सकता है यहाँ पे कि nth टर्म 50 दे रखा है बच्चों, तो nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस वन डी, ये बच्चों सभी को पता होता है। यहाँ पे आपके पास a है बच्चों, आपके पास बच्चों d भी है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा बच्चों बराबर 50, 5 में से 3 क्या बच्चों दैट इज 2 बराबर 50, देन 3n बराबर 2 बच्चों उधर जाएगा 50 में से बच्चों जब 2 माइनस होगा कितना बचेगा 48 एंड इट विल गिव्स यू 48/3 एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 16। तो बच्चों यहां से n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 16 निकल के आ गई, ये भी एक तरीका आपके पास, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को बच्चों मैंने एक तरीका बताऊं जरा आप लोगों को, आप लोगों को अगर याद हो तो बच्चों Sn का हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार आप लोगों के मन में दोहराएं या बोले या लिखे, सही है, उससे बिल्कुल आपको परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। Sn का फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था हम लोगों ने n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था बच्चों n बाई टू
ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला कब, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है कब, लेकिन पता चला कब लगेगा, जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो, एन दे रखा हो। ये चीजें तो है बच्चों। तो आप अब आपके पास यहाँ पे बच्चों क्या निकल आया, आपके पास एन निकल आया बच्चों। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आप लोगों को, इसको जल्दी आंसर आएगा। तो मैं आपको बच्चों, आपका आंसर इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, दोनों सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें एंथ टर्म दे रखा है, तो नीचे वाले फॉर्मूले को बच्चों यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों इसके बाद। तो Sn बराबर क्या होता है बच्चों, n बाई टू ए प्लस ए एन। अब यहां पे देखो बच्चों, आप लोगों ने यहां पे n निकाल लिया, तो 16 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म बच्चों कितना था आपके पास 5, एंड टर्म बच्चों कितना था 50। इसको बच्चों काटोगे इससे तो ये 8 जाएगा, और ये बच्चों 55, 85 से 40, और ये 440। तो शुरुआत के 16 टर्म का जो बच्चों सम निकलेगा वो कितना आएगा, 440 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, दैट इज 440 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। बोले भाई किसी को कोई डाउट पे बच्चों, किसी के मन में कोई शंका, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने कैसे निकाला, ए दे रखा था, डी दे रखा था, एंथ टर्म दे रखा था। एंथ टर्म का बेटा सभी बच्चों को फॉर्मूला पता, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। अब तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए आपके पास दे रखा है, डी दे रखा है, एन की वैल्यू निकल आई, एन की वैल्यू निकल आई। सबके दो फॉर्मूले होते हैं, आप चाहे कोई सा भी यूज कर लो, वैसे ये ज्यादा यूज करो तो बेनिफिशियल होगा, आपकी कैलकुलेशन कम होगी, लेकिन आंसर दोनों से आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि हम लोग 10 पार्ट करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे बच्चों इसमें। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट पढ़े रहा बेटा एनसीईआरटी में आप लोग भी। आपको ए दे रखा है 7, 13th टर्म दे रखा है 35। आपको गिवन क्या है बच्चों, ए 7 दे रखा है, 13th टर्म दे रखा है बच्चों 35, ठीक है। और क्या दे रखा है आप लोगों से, आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों डी एंड एस 13 बच्चों पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दो चीजें पूछी आ रही है, हाँ यही दो चीजें पूछी आ रही है। देखो बच्चों, किसी चीज को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारा आंसर जल्दी आता है वो आपको देखना है, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया बच्चों, बहुत अच्छी बात है। 13th टर्म की वैल्यू दे रखी है बच्चों 35, ठीक है। आपसे एस 13 पूछा जा रहा है, एस 13 का मतलब क्या है, शुरुआत से लेके 13वें टर्म, जो फर्स्ट टर्म से लेके 13th टर्म जो दे रखा है वहां तक का सम आपका कितना होगा। तो कुल मिला के उस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म से बच्चों, यहां से आपको पता क्या चलता है बच्चों, यहां से आपको पता चलता है कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, ठीक है। सम का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बच्चों, आपको चाहिए होता है ए एन डी, ये तीन चीज चाहिए होती है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए आपको चाहिए होता है एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर बच्चों देखें सम ऑफ 13th टर्म, तो मैं आपको पहली बात तो n की वैल्यू Sn वाला फॉर्मूला देता हूं। Sn बराबर होता है बच्चों n बाई टू ए प्लस ए एन, ये होता है। अगर मुझे 13th टर्म का सम निकालना है तो जहां जहां n हुआ है तो यहां भी बच्चों कितना आएगा 13 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म बच्चों कितना दे रखा आपको 7, और ये n की जगह 13 आएगा बच्चों, और 13th टर्म की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 35। बोलो सिंपल है, एस 13 का मतलब ये है कि शुरुआत से लेकर 13 टर्म तक जितने भी टर्म है आपके 13 टर्म, उन सबका सम करना है आपको। तो 13वें नंबर का जो टर्म होगा वो सबसे आखिरी होगा, तो 13वें नंबर का टर्म आखिरी आ गया, यानी कि एल की वैल्यू दे दी गई आपको। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन की वैल्यू यहां से पता चल गई, 13वें सम ऑफ 13 टर्म निकाला, एन की वैल्यू कितनी होगी 13। तो एस 13 का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 13 अपॉन टू, ए की वैल्यू आपको दे रखी थी, 13 टर्म की वैल्यू दे रखी थी, आप लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद 13 अपॉन टू 35 प्लस 7 बच्चों 42 होते हैं, 42 को बच्चों इससे काटोगे आप तो आपका बचेगा कितना, 13 × 21 बचेगा, बचेगा 260। ये बच्चों कितना हो गया 273। तो शुरुआत के 13 टर्म का जो बच्चों सम आएगा वो कितना आएगा बच्चों 273 आएगा, यहाँ तक की बात क्लियर। उसके बाद बच्चों ये आपका निकल आया, अब बची बात बारी किसकी, डी की। तो देखो बेटा यहाँ पे अब बच्चा सोचेगी सर Sn वाला फॉर्मूला लगा दो 2a + n - 1d, वो लेंथी हो जाएगा,
उससे आपको जल्दी आंसर देगा ये वाला। ये क्या कह रहा है बच्चों, 13th term 35 है। 13th term कितना होता है, मैंने आपको बताया था कोई भी टर्म जब लिखते हैं हम लोग तो उसमें एक ए आता है और एक आता है बच्चों डी, और डी के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा इससे एक कम होता है, याद आया बच्चों। ये आ गया ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है आपको 7 12, डी बराबर बच्चों 35, 35 में से बच्चों 7 जाएंगे कितना बचेगा, खुद से करके देखना बेटा तभी कैलकुलेशन तेज होगी आपकी, 28, देन डी बराबर बच्चों 28/12, काटना चालू करें 4 7 जाए 4 3 जाए बच्चों, देन डी की वैल्यू बच्चों आ गई 7/3। तो एक तरीके से छुपन छुपाई वाले क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज दे रखी होती है और कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है आपका, तो इसका आंसर आ गया बच्चों डी बराबर 7/3 और सम की वैल्यू आ गई बच्चों 273। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़े बच्चों। थर्ड वाला पार्ट पढ़े बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ना, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको आएगा नहीं बेटा, मैं आपको बताऊँ। आप ओरली ओरली देखते चलोगे, ओरली ओरली करते चलोगे तो मैथमेटिक्स बेटा ओरली करने से नहीं आती। ठीक है, ये चीजें क्लियर कर ले बच्चों। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखें, 12th term दे रखा है 37, डी दे रखा है 3। 12th term दे रखा है बच्चों 37 और डी दे रखा है बच्चों 3। ठीक है, और बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड करिए ए एंड एस 12 फाइंड करना है बच्चों। ये दो चीजें फाइंड करनी है। अब देखो हमने गिने चुने तो 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, वो 4 ही फॉर्मूले लगने बच्चों हर जगह। ठीक है, सॉल्यूशन करना चालू करता हूँ बच्चों मैं यहाँ से। आपको पहली बात तो देखो यार, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, निकाल सकते हो इजीली तरीके से। अच्छा बच्चों एक चीज बता जरा मुझे, आप लोग 12th term दे रखा बच्चों 37, 12th term की वैल्यू कितनी होती है बेटा ये बता जरा, उसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अभी बता रहा 13th term कैसे लिखेंगे, ए प्लस 12d, तो 12th term बच्चों कितना होगा ए प्लस 11d बराबर 37 होगा बच्चों। ए की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन नहीं, डी की वैल्यू बच्चों गिवन है, तो ए प्लस 11 × 3 बराबर बच्चों 37 हो गया। कोई डाउट, 11 × 3 का बच्चों कितना होगा 33 इज इक्वल्स टू 37, 37 में से बच्चों 3 चला गया बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। कोई डाउट किसी बच्चे को आपका, ये बेटा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरुआत से कि 12th term कितना होगा, ए और डी आएगा, डी के साथ एक नंबर हमेशा कम आता है, इससे 11 हो गया। आपके पास डी है, पुट कर दिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब एक चीज देखो बच्चों, एस 12 बच्चों पूछा गया है, एस 12 का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास दो है बच्चों, आप चाहें तो एन बाई टू, सही है, एक होता है बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला है, एन की वैल्यू यहां तक चल गई बच्चों आपको, एन की वैल्यू है 12। एस 12 का मतलब निकालने का मतलब क्या है, शुरुआत के पहले से लेके 12वीं तक टर्म तक का जो भी टर्म दे रखे हैं उन सबका एडिशन करना है आपको, सब निकालना है। तो एस 12 का बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, एन अपॉन टू, ए फर्स्ट टर्म कितना दे दिया बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका आ गया, मैं आपको इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। एस एन का बच्चों में फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला, एस 12 दे रखा है बच्चों तो जहां जहां एन दे रखा है तो 12/2, ए की वैल्यू बच्चों आपकी 4 है और यहाँ पे एन की जगह आ गया बच्चों 12, और क्वेश्चन में आपको 12th term दे रखा है बच्चों, तो मुझे लगा कि एन बाई टू 2a + n-1d से कंपेरिजन में ये फॉर्मूला आपको जल्दी आंसर देगा और देगा भी बच्चों। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, आप उसको भी यूज कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन की अप्रोच से ये आंसर आपको जल्दी देगा बच्चों। तो ए की वैल्यू बच्चों 4 हो गई और एन की वैल्यू 12th term की बच्चों जो वैल्यू थी वो थी बच्चों 37। अब 37 प्लस 4 बच्चों इसको काटेंगे आप 6 आएगा बच्चों और ये हो गया बच्चों 41, 7 × 11 6 4 जा बच्चों कितना हुआ 240 और 246 बच्चों। तो शुरुआत के 12 टर्म का जो बच्चों सम आएगा वो आएगा 246। फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास, 12th term तक का बच्चों सम आ गया आपके पास 246। बोलो कोई डाउट बच्चों किसी को, मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, आप देखते चले आराम से अच्छे तरीके से, उसका खुद से प्रैक्टिस करें मैं आपको बताऊँ, तब आपको पता चलेगा कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा। यहाँ तो मैं बताते चल रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, आपको देखना है समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया हमारा, ए 4 आ गया और ये आ गया बच्चों 246। फोर्थ वाले पे आते हैं बच्चों, फोर्थ वाला अपनी एनसीईआरटी निकालें और उसे खोलें और पढ़ें जरा,
बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तरीके से जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं बच्चों इसका हम लोग। थर्ड का फोर्थ पार्ट बच्चों, ठीक है, फोर्थ पार्ट बच्चों क्या कह रहा है हमारा, आपको थर्ड टर्म दे रखा है 15, लिख लेते हैं बच्चों गिवन क्या क्या है। थर्ड टर्म दे रखा है 15, एस 10 दे रखा है बच्चों 125। आपसे बोला जा रहा है डी फाइंड करिए एंड ए 10 फाइंड करिए, A3 15, S10 125 एंड डी एंड ए 10। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों से दो चीजें फाइंड आउट करनी है, तो पहली बात तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो और थोड़ी सी बुद्धि बेटा अपनी लगाओ और बताओ जरा इसके अंदर क्या अप्रोच लग सकती है, अपने दिमाग की कैलकुलेशन को बढ़ाओ भाई। सही है, अब देखो बच्चों चलो करो, अगर मैं थर्ड टर्म की बच्चों बात करता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ देता हूँ बच्चों थर्ड टर्म की बात करूंगा यहाँ पर, तो थर्ड टर्म मेरा कितना होता है बच्चों, यहाँ क्या यहाँ लिखता हूँ, बच्चा कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। थर्ड टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों मेरा कितना होता है, ए प्लस 2D, ये होता है बच्चों। अब मुझे ना इसके अंदर ना डी पता है ना ए पता है, अब कैसे निकालूँ इसको, तो ये निकल सकता है क्या, ये नहीं निकल सकता। अगर आपके पास किसी एक की वैल्यू होती, आपके पास डी की वैल्यू होती तो ए निकल जाता, ए की वैल्यू होती तो डी निकल जाता। ठीक है भाई, यहाँ काम अटक गया। ठीक है, आपसे यानी कि डी पूछा गया तो मतलब यानी कि आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, अब ए की वैल्यू तो पता नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों। दूसरे पे आते हैं बच्चों S10। S10 जैसे ही आप लोगों ने देखा तो आपको n की वैल्यू पता चल गई बच्चों कि n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 10 हो गई। अब S10 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूले होते हैं n/2 2a प्लस n-1d। अगर कल को बच्चों Sn बराबर फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है n/2 2a प्लस n-1d, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा क्या, आपके पास सिर्फ n गिवन है बच्चों, आपके पास a गिवन नहीं है, आपके पास d गिवन नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बच्चों। जब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो बचा कौन सा, दूसरा वाला फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, दूसरा वाला फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये होता है। अब देखो बच्चों S10 दे रखा था, n की जगह बच्चों 10 आ गया, तो n की जगह 10/2 आ गया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर a और कुछ दे रखा है, हाँ ठीक है, a बच्चों और a भी आपको पता नहीं है, nth टर्म आपको पता है यहाँ पे, हाँ भाई एक काम कर सकते हैं बच्चों को, देखो एक काम इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म आपको पता नहीं तो निकालोगे कैसे इसको, इसके अंदर बच्चों हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Sn वाला। कौन सा वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d वाला बच्चों। ठीक है, ये उस वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, ये इस वाले फॉर्मूले से होगा। देखो S10 n की जगह बच्चों 10/2 2a n की जगह बच्चों 10-1d, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल अननोन है बच्चों, दो वेरिएबल अननोन है मतलब यानी कि दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये बन गई, अब एक इक्वेशन बच्चों यहाँ से बनेगी, आपका उस वाले फॉर्मूले से नहीं आएगा Sn n/2 a प्लस an, क्योंकि आपको an भी नहीं पता है, तो आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब S10 की वैल्यू 125 दे रखी है बच्चों, 125 मैंने यहाँ लिखा बच्चों 10/2 2a प्लस 9d। अब देखो काटा पिटी कैसे करते हैं, 2 से अगर मैं इसे काटूंगा बच्चों 5 जाएगा, और 5 से बच्चों मैं इसको काटूंगा 25 जाएगा, 2 से इसको काटा 5 गया, और 5 से बच्चों इसको काटा 125 तो 25 आ गया, तो यहां से 25 बराबर आ गया बच्चों 2a प्लस 9d, कोई दिक्कत, तो इसको मैंने सही तरीके से लिखा था 2a प्लस 9d बराबर हो गया बच्चों 25। तो यहां से बच्चों ये क्वेश्चन निकल आई आपकी सेकेंड वाली, ये क्वेश्चन बन दिया गया बच्चों सेकंड, इसके अंदर भी ए और डी के टर्म्स में दे रखी है, ये भी क्वेश्चन आपको ए और डी के टर्म्स में दे रखी है। अब इनको हम लोग एक साथ लिख लें, आप इस चीज को नोट कर लो बच्चों, हटा दो इसको, चलिए
इनके बच्चों में यहाँ यहाँ देखें आप 2a + 9d = 25 एंड a + 2d = 15। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो सिंपल सा इसको हटा देते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट बच्चों क्या है 1, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से। इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a + 9d = 25 और दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या होगी 2a + 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करो 2a हो गया, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करो 4 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 15 से करो तो बच्चों 30। अब बच्चों यहाँ से क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप लोग क्या करते थे, मैंने लीनियर इक्वेशन वाले में कर रखा है, वीडियो बना हुआ है उसका, अगर आपको देख कर तो देख सकते हो, वहाँ पर जाके दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए, साइन चेंज कर दिए बच्चों, 9 में से 4 गया बच्चों 5d हो गया बच्चों, 25 में से ये गया बच्चों -1 एंड d की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल के आ गई -1। ठीक है, आपसे एक तो d पूछा गया था बच्चों, और क्या पूछा गया था फोर्थ वाले में, 8 टाइम और पूछा गया था। अब बच्चों एक चीज़ है, आपकी जब d की वैल्यू निकल आई तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों, a + 2d = 15, डी की जगह -1 पुट कर दो बच्चों, तो 2 × -1, जब भी नेगेटिव नंबर लिखें तो बच्चों ब्रैकेट लगा देना, = 15। यहाँ से a − 2 = 15 हो गया बच्चों, एंड यहाँ से a की वैल्यू निकल आई बच्चों 17। आपका a आ गया बच्चों, d आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, इसको हटा दूं मैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें बच्चों इसका। लास्ट चीज आपसे पूछी गई थी बच्चों a10, क्या पूछा गया था आप लोगों से, 10th टर्म निकालो। अब 10th टर्म आप कैसे निकालोगे बच्चों, पूरे मोहल्ले को पता है a10 कितना होता है बच्चों, a + 9d होता है बच्चों। 10th टर्म कितना होगा बच्चों, a + 9d, a की वैल्यू बच्चों 17 है, 9d की वैल्यू बच्चों -1, 17 में से 9 गए बच्चों, कितना आ गया 8। तो 10th टर्म की बच्चों जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था बच्चों, कैसा लगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th वाला पढ़ गया रहा इसका 5th पार्ट, लिखते चलो क्या क्या गिवन है बच्चों 5th पार्ट में। d5 है, f9 75 है, देखो गिने चले वही 3-4 फॉर्मूले हैं और उन्हीं में से बच्चों एक फॉर्मूला फिट हो रहा है, प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी पता लगा लोगे कौन सा फिट होगा वहां पर कि नहीं होगा। s9 बच्चों 75 दे रखा है, आपसे a और a9 पूछा जा रहा है, आपको a की वैल्यू नहीं पता, आपको a9 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आया सिंपल है, कौन सा बच्चों किस तरीके से अप्लाई करोगे, इसमें लास्ट टर्म निकालना है, यानी कि कुल मिला के इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं 9। s n से पता चला हमें कि n की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, इसके अंदर n की वैल्यू हो गई 9, आपके पास d की वैल्यू हो गई बच्चों 5, अब आपके पास a गायब है, a9 भी गायब है। ठीक है, अब कल को बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो s n वाला फॉर्मूला लगा दें, n/2 2a + n - 1d, हाँ उससे निकलेगा बच्चों, लास्ट टर्म वाले से निकलेगा ये, s n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1d। अब इसमें आपको n पता है, d पता है, तो a निकल आएगा, एस एन की वैल्यू बच्चों कितनी है 75, एन की जगह बच्चों कितना पुट करेंगे 9, 2 ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, एन की जगह 9 9 - 1, डी की जगह बच्चों कितना पुट करेंगे 5। ठीक है, 75 = 9/2 2a + 2a + 9 में से 1 गया बच्चों 8, 8 × 5 बच्चों कितना हो गया 40। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर एक तरीका तो आपके पास ये है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इसका 9 का मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका और है बच्चों, इन दोनों में 2 कॉमन है बच्चों, बाहर निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो मतलब है, तो 2 से मतलब इसको डिवाइड किया तो a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 20 बचेगा, इस 2 से बच्चों 2 चला गया,
यहाँ पर हूँ बच्चों, तो 75 बराबर 9 a प्लस 20 हो गया बच्चों, 75 बराबर 9 a प्लस 9 का मल्टीप्लाई a से हुआ 9 ही हो गया, 9 का 20 से होगा बच्चों 9 टू 18 एंड 9 a बराबर 75 माइनस 180 बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों, माइनस का 105, a बराबर माइनस का 105 बटे 9, इसको काटेंगे ना आप लोग, 3 से काटो तो बच्चों कितना आएगा, माइनस 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 एंड 3, तो बच्चों फर्स्ट टर्म की आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई बच्चों वो आ गई माइनस का 25 अपॉन 3। तो क्वेश्चन में कुछ इधर कैलकुलेशन है हल्की फुल्की सी, आपको ये सही अप्रोच लगानी है कि आपको ये भी दे रखा है, एन भी पता है, डी भी पता है, ए निकल आएगा इस तरीके से, आपका ए निकल आया बच्चों, ठीक है, आपका ए कितना आ गया बच्चों यहाँ पे माइनस का 35 अपॉन 3, आपसे ए एन पूछा गया बच्चों, देखो भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ए एन पूछा जा रहा है, तो ए 9 पूछा जा रहा है बच्चों, आप चाहते तो बच्चों वो भी लगा सकते थे एस एन वाला फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए 9, लेकिन क्यों ए 9 पूछा गया, सबसे अच्छा फॉर्मूला तो यही होता है ए प्लस ए डी, ए 9 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 35 अपॉन 3 8, डी की वैल्यू बच्चों कितनी थी 5, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 पंजे 40, एलसीएम लोगे बच्चों इसका 3 इंटू 40 120 अपॉन 3, 120 में से बच्चों 30 जाएंगे 90, 90 में से 5 जाएंगे बच्चों 85, ठीक है काटे यार कटे नहीं इतनी आया कोई दिक्कत, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, ये आपका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, और फिफ्थ पार्ट का आंसर जो आ गया आपका बच्चों ए आ गया माइनस 35.3 और बच्चों नाइन्थ टर्म का आपका कितना आ गया 85.3, आप चाहते थे बच्चों इससे भी निकाल सकते थे, एस 9 की वैल्यू थी एन बाई टू, ए आपका आ गया था और ए 9 लास्ट टर्म होगा, आपको पास ए पता आ गया था, इसको निकाल लोगे, एस 9 की वैल्यू दे रखी है 75, इससे भी निकला था, बट मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन इसमें गलती होती एस कंप्यूटर इसको, ठीक है बच्चों हटा लें इसको, ये पांच पार्ट हो गए बच्चों इसके, अब आते हैं बचे हुए पांच पार्ट, ठीक है बच्चों, फिफ्थ के बाद बच्चों आते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है 2 और डी दे रखा है बच्चों 8, देख लीजिए बच्चों थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा इनको, जरा ए दे रखा है 2d8 एस एन 90 दे रखा है, आपसे n पूछा जा रहा है, आपसे an पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, हाँ भाई ठीक है भाई, आपसे दो चीज पूछी जा रही है, आपको a पता है, आपको d पता है, आपको sn पता है, ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आपको पहली बात तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर आप लास्ट टर्म वाला लगाते हैं तो बच्चों आपके पास ए एन भी अननोन है, आपके पास एन भी अननोन है, दो चीजें अननोन है, आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, तो आपको पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जैसे मैं आपको लिखवा के करवा रहा हूँ वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बच्चों, अगर बिना प्रैक्टिस आप किए आ गए तो भाई साहब आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होंगे, और पेपर में यही क्वेश्चन पूछे हैं, बिना क्वेश्चन के आपको अप्रोच पता नहीं चलेगी बच्चों, ठीक है बच्चों, आपके पास एस एन है बच्चों 90, आपको एन पता है क्या, नहीं पता भाई, आपको ए पता है बच्चों, ए पता है भी 2, मैंने पुट कर दिया, आपको एन पता है, नहीं पता, आपको डी पता है भाई, ठीक है, अब इसको देख लो 90 बराबर एन अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 8 n माइनस 8, ठीक है, अब बेटा 4 में से 8 जब जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, आप फिर से वही तरीका है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर कितना बचेगा बच्चों 4 n माइनस 2, इस 2 से 2 चला गया बच्चों, बोलिए भाई
यहाँ तक की कंडीशन में कोई दिक्कत है बच्चों, क्या नहीं है? Sn बराबर n by 2, 2a plus n minus 20, Sn की वैल्यू 90 थी, n आपको पता नहीं था, a की वैल्यू आपको पता है 2, d की वैल्यू 8 थी, 8 पुट कर दिया, 8n minus 8, और ये हो गया 4, 4n minus 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, याद है, इसको नोट कर लिया बच्चों, हटा दो इसको, सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो आप बाकी चीज सॉल्व करवा पाऊंगा। अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, अगला स्टेप बच्चों ये होगा 90 बराबर n into 4n minus 2, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4n square minus 2n, एक बार काम करो बच्चों इसको उधर लेके आओ, जब इसको उधर लेके आओ तो यहाँ जीरो बचेगा बच्चों, 4n square minus का 2n minus का 90, अब ये आ गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख लेगा बच्चों, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन लिखते हैं। अब एक चीज देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे सभी के अंदर 2 कॉमन है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया बच्चों। अब क्या आएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45, अब ये 2 वहां जाके कितना हो जाएगा, 2 जाएगा 0.2, कितना हो गया 0। अब आपके पास इक्वेशन आ गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब फैक्टराइजेशन आप तरीका जानते हो, 45 का मल्टीप्लाई अगर 2 से मैं करूं, फैक्टराइजेशन आपने सीखा हुआ है ना, फिर सीखा हुआ सिंपल सा, जो हाईएस्ट पावर होता है एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट लेते हैं 2, कांस्टेंट लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है बच्चों फैक्टराइजेशन का, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? अगर बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे मुझे ये कितना रिजल्ट दे देगा, माइनस का 90 दे देगा बच्चों। अब आपको यहां पे क्या चाहिए, माइनस एन यानी कि माइनस का 1 चाहिए। अब अगर इसके आप फैक्टर करोगे तो बच्चों 10 9 या 90 होता है, एक बार तो माइनस साइन को भी छोड़ दो, 10 9 या 90 होता है, अब 1 कब आएगा, जब 10 में से बच्चों क्या जाएगा 9 जाएगा तब आएगा 1, आपको माइनस 1 चाहिए तो माइनस 10 होगा और प्लस का क्या होगा बच्चों 9, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 90 आ रहा है, तो आपको पर्टिकुलर 1n को तोड़ोगे कैसे, माइनस 10n प्लस 9n, तरीका समझ में आया? हमेशा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 90 आया, माइनस 90 को इस तरीके से दो मेंबर के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ना है कि वो रिजल्ट कितना दे आपको, माइनस 1 रिजल्ट दे। माइनस 1 कैसे आ सकता है, जब माइनस 10 और 9 को बच्चों ऐड किया जाए तभी आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 90 आ रहा है, यानी कि इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो अगला स्टेप बच्चों इसका क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों जो होगा इसका वो ये होगा, आप फैक्टराइजेशन तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 6। अगर किसी को दिक्कत हो फैक्टराइजेशन में तो फैक्टराइजेशन वाला क्या है वीडियो डाला हुआ है, वो देख ले जाना जाके लिंक इक्वेशन के अंदर। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2n अंदर कितना आ गया n माइनस 5, इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों 9, अंदर आ गया n माइनस 5, आपका एक फैक्टर बना 2n प्लस 9 और एक फैक्टर बना बच्चों एन माइनस फाइव बराबर जीरो। अब आपके दोनों फैक्टर बच्चों जीरो के इक्वल किए जाते हैं बाद में, तो यहां से एम की वैल्यू आ गई बच्चों 5, और यहां से अगर आप निकालोगे बच्चों तो 2n बराबर माइनस 9 एंड n बराबर बच्चों माइनस का 9 बाई 2। पहली बात तो बच्चों की वैल्यू नेगेटिव है, n की वैल्यू नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, एंड तो n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव n फ्रैक्शन। n आपका क्या होता है, टर्म्स होते हैं ना, उस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 16 15 14 13 कितने हैं, ठीक है? ये थोड़ा होता है साढ़े 15 टर्म होंगे, 14.5 टर्म होंगे, ये नहीं होता। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 5 होगी। यानी कि पर्टिकुलर जो आप सीरीज में Sn जो आया है वो शुरुआत के 5 टर्म को सम को ऐड करने पे कितना आया है, 90 आया है बच्चों, ठीक है? अब आप लोगों से बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई। अब आप लोगों से बच्चों एक चीज पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो 6 के अंदर बच्चों an पूछा गया है आपसे, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। तो आप लोगों से कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, 5th टर्म पूछा जा रहा है, 5th टर्म पूरे मोहल्ले को पता है, a प्लस 4d होता है बच्चों, a की वैल्यू आपके पास 2 है, 4, और d की वैल्यू बच्चों 8 है, 8 4 जा 32 हो गया बच्चों, 32 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 34। तो 5th टर्म बच्चों यानी कि nth टर्म आपका कितना आ गया, उस सीरीज का जो आखिरी टर्म होगा बच्चों वो होगा 34। किसी को बच्चों कोई डाउट
देख ले यार इसको। है क्या बच्चों कोई डाउट किसी को? एन इक्वल्स टू 5 एंड फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 34। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन देखें आप लोग, सेवन वाला बच्चों, हटा दो इसको। समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं? एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना परफेक्ट हो जाओगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका 8 पढ़ते हैं बच्चों, नहीं 8 नहीं 7 पढ़ते हैं। ए आपको दे रखा है बच्चों 8, ठीक है? ए दे रखा है बच्चों 8 और ए एन दे रखा है बच्चों 62, ठीक है बच्चों? एस एन दे रखा है बच्चों 210, ठीक है? और फाइनल बोला गया आप लोगों से एन और डी बोला गया। एक बार सही से देखो, आगे पीछे ना हो जाए वैल्यू कहीं। सेवेंथ वाले में ए दे रखा है बच्चों 8, ए एन दे रखा है बच्चों 62, एस एन दे रखा है 210, आपसे पूछा गया एन और डी, ठीक है भाई? ये दे रखा है बच्चों। देखो बच्चों एन टर्म को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, आपको लास्ट टर्म भी पता है, आपको एन नहीं पता, आपको ए पता है बच्चों। आपको एन फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। आसानी से फाइंड कर लेंगे बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, एन बाई टू ए प्लस ए एन। आपके पास ए एन गिवन है, आपके पास ए गिवन है और आपके पास एस एन भी गिवन है। एक क्वांटिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी निकल आएगी। एस एन की जगह पुट करो बच्चों 210 एन अपॉन टू, ए की जगह 8, ए एन की वैल्यू बच्चों 62। 62 प्लस 8 बच्चों कितना हो जाएगा? एन अपॉन टू इंटू 70 हो जाएगा बच्चों। इस जीरो से ये जीरो गया, सेवन से इसको काटूंगा बच्चों कितना जाएगा? 3 जाएगा। सेवन से काटूंगा इसको कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो 3 बराबर एन बाई टू हो गया बच्चों, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। बोलिए कोई डाउट? आप डायरेक्ट काट सकते हैं 70 इंटू 3 73 जाओ 210। यहां से बच्चों आपका एन आ गया। अब आप लोगों का एन आ गया बच्चों, यहाँ पे 6 आ गया, ये निकल आया, बचा ये। अब देख लो सिंपल सा, यानी कि कुल मिला के इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 6। और छठवां ही टर्म आपका क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। तो सिक्स टर्म ही आपका लास्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 62। और सिक्स टर्म बच्चों कितना होगा? ए प्लस 5d बराबर 62। आपके पास ए की वैल्यू है बच्चों 8 प्लस 5d बराबर 62, देन 5d बराबर 62 माइनस 8, और 62 माइनस 8 बच्चों कितना हो जाएगा? 54। एंड डी बराबर हो गया बच्चों 54 अपॉन 5, ठीक है बच्चों? बोलो भाई कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता देखना है, पहचानना है कि यहाँ पे एस एन बराबर कौन सा वाला फॉर्मूला जल्दी यूज होगा। एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वो जल्दी देगा कि एन बाई टू ए प्लस ए एन जल्दी देगा? तो वो आपको देखने से पता चलेगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन जल्दी निकल आएगा, ठीक है? क्वेश्चन बच्चों ये हमारा हो गया सातवां। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, और यहाँ से बच्चों के समझ में आता है एन बराबर 6 मतलब उस सीरीज के अंदर टोटल 6 टर्म है और छठवें नंबर का टर्म ये क्या होगा? लास्ट टर्म। तो ए सिक्स एन टर्म की वैल्यू मतलब यानी कितना हो गया? ए सिक्स हो गया। ए सिक्स कितना होगा? ए प्लस 5d। डी की वैल्यू आपको दे रखी, ए की वैल्यू दे रखी थी, डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। बाकी बताओ बच्चों कोई नया फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या इसके अंदर? कोई भी नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा बच्चों, सारे वही है जिससे पिछले वाले फॉर्मूले, बस उन्हीं को बार बार आपको क्या करना है बच्चों? यूज करना है, ठीक है बच्चों? सर कितने सेवेंथ क्वेश्चन हो गया बच्चों। एट क्वेश्चन को बच्चों बाद में कराता हूँ, पहले नंबर पे मैं कराता हूँ, आपको टेंथ को कराता हूँ बच्चों, ठीक है? मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस तोड़ दिया, बताऊंगा बाद में क्यों तोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ बच्चों। हमेशा पहले मैथमेटिक्स के अंदर सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन करो, उससे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा आपका, फिर दमदार क्वेश्चन से टक्कर ले सकते हो आप, ठीक है? 10th वाला बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, देखिए जरा 10th क्या दे रखा है बच्चों? एल दे रखा है आपको 28, लास्ट टर्म की वैल्यू 28 दे रखी है, सम की वैल्यू दे रखी है बच्चों 144, ये भी अच्छी बात है।
और बोला गया है टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 9 हो गई। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है बच्चों, फाइंड a पूछा जा रहा है बच्चों, बताओ आसान क्वेश्चन है। लास्ट टर्म दे दिया मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, sn वाला यूज हो रहा है, sn बराबर n by 2 a plus l, n की वैल्यू 9 है बच्चों, s 9, n की जगह 9 by 2, a आपको पता करना है, लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है बच्चों, s 9 की वैल्यू 144 है बच्चों, 9 upon 2, a plus 28, इससे बच्चों काटो इसको, कितना जाएगा 16 जाएगा, ऐसे जाएगा ना 16, आपने जब 16 9 जब बच्चों कितना होता है 144, तो 16 बराबर 1 by 2 a प्लस 28, 2 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 32 आएगा, 32 बराबर a प्लस 28, ना a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 28 को इधर लेके आओगे, a बराबर हो गया बच्चों कितना 4, क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। बोलो बच्चों कोई डाउट, किसी बच्चे को, हमारे कोई भी प्यारे बच्चों को कोई डाउट है क्या इसके अंदर, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल फॉर्मूला दे रखा था, वैल्यू दे रखी, रिपोर्ट कर दिया, खत्म हो गया। चलिए ये हो गया बच्चों, टेंथ हो गया, कौन से लेवल बढ़ रहा बच्चों, कुछ कहीं बढ़ रहा, नाइन्थ पढ़े रहा, एनसीईआरटी बोल के जरा पढ़ते नहीं आप लोग, आपके पास ए दे रखा है बच्चों 3, आपके पास एन दे रखा है बच्चों 8, ठीक है, और आपके पास एस दे रखा है 192, आपसे डी पूछा जा रहा बच्चों, ठीक है बच्चों, हाँ ए एन एस और डी पूछा गया है। तो भाई देखो यार, एन बाई टू ए प्लस ए एन वाले में तो डी आता नहीं है, तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, फटाफट अपनी मुंह जवानी बोल दो यार, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, बोलो यही लगेगा। एस एन की वैल्यू बच्चों कितनी रखी है 8, एस 8, एन की जगह 8 अपॉन 2, 2 ए की जगह बच्चों दे रखा आपको 3, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बच्चों, एन की जगह 8 माइनस 1 डी आपको फाइंड करना था, सम ऑफ 8 टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 192 बराबर 8 अपॉन, इसको काट दे बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सर, 2 3 का कितना हो गया बच्चों 6, 8 में से 1 गया 7, अब बच्चों मैं इसको इससे काटूं, काटापटी करूं, इसको जब मैं इससे काटूंगा बच्चों तो 4 4 का 16, 3 बचेगा 4 8 का 32, तो 48 बराबर हो गया बच्चों 6 प्लस 70, 6 को बच्चों इधर लेके जाऊंगा तो 48 माइनस 6 बराबर 70, ठीक है बच्चों 42 हो गया, 42 बराबर 70 बच्चों, तो डी को निकालने के लिए बच्चों 7 से काटूंगा इसको तो कितना जाएगा 6, तो डी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपकी लास्ट में 6 आ गई बच्चों। बोलो बच्चों कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल है, वैल्यू फॉर्मूला पुट करना था, सबकी वैल्यू दे रखी थी, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया भाई, मुझे नहीं लगता और कोई दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। टेंथ भी हो गया, सेवेंथ भी हो गया, नाइन्थ भी हो गया, अब बचा आठवें नंबर का क्वेश्चन, आठवां थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने उसको सबसे आखिरी में रखा है, ठीक है, ताकि आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ उसके अंदर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आप लोग सॉल्व करिएगा, दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, या मैं खुद भी पॉज हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। एट वाला जो बच्चों क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको, एंथ टर्म दे रखा है आपको 4, ठीक है, और डी दे रखा है बच्चों 2, एस एन दे रखा है बच्चों 8 नंबर का है बच्चों, ठीक है, ए एन दे रखा है बच्चों 4, डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है माइनस 14, ठीक है भाई, और एन और ए पूछा आपसे जा रहा है बच्चों, फाइंड आउट करके बताना है बच्चों। चलो करे बच्चों, बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, बोले हाँ सर, एक काम करो वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले ही ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को ऑन करना। देखें बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे आपको nth टर्म का फॉर्मूला बता होता है बच्चों, आपके पास n भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है,
अगर मैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बच्चों, एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों एन बाई टू ए प्लस ए एन। मैंने ये लिख दिया फटाफट, क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे पास ए एन था। तो एस एन की अगर वैल्यू देखोगे आपके पास माइनस 14 है बच्चों, एन अपॉन टू, आपको एन नहीं पता, आपको ए पता है इसके अंदर, ए भी नहीं पता, बस आपको ए एन पता है। ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो आपको यहाँ पर देखो यार, आपको निकालना क्या था, एन और ए, इसके अंदर एन और ए आ रहे हैं, मतलब दोनों क्वांटिटी अननोन है, तो भाई इसके लिए कुछ और दे रखा होगा, कुछ और यूज करना होगा। अब कुछ और के लिए फिर तो आपके पास एक फॉर्मूला तो यही बचता है, एन के टर्म बराबर क्या दे रखा है, फोर। एन के टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर फोर। बोलो भाई कोई दिक्कत ना, ए की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, एन की वैल्यू भी आपको पता ही नहीं है, डी की वैल्यू बताए बच्चों, टू बराबर फोर। सॉल्व कर लो बच्चों, ए प्लस टू एन माइनस टू बराबर फोर, टू को बच्चों उधर ले जाओ तो ए प्लस टू एन बराबर हो गया सिक्स। अब दो क्वांटिटी अननोन है तो बच्चों दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। एक काम करते हैं बच्चों, इसको मार देते हैं, बोल देते हैं हम लोग इसको बच्चों ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल के मुझे इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी बच्चों, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सिक्स माइनस टू एन हो गया। इसको बोलते बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पिछले वाले क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर का था वहां तो दो इक्वेशन बनने के सॉल्व कर लिया था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा बच्चों तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आ गया बच्चों, पहले से एंथ टर्म था, एंथ टर्म के अंदर फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी, आपके पास ए भी नहीं है एन भी नहीं है, बट डी है, डी आपने पुट किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आपने ए की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एन। फिर इस पे आए बच्चों, इस पे चाहे आप एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगा दो तब भी कंडीशन यही आएगी, चाहे ये लगा दो तो भी कंडीशन यही आएगी। अब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको अगर टू को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ बच्चों से, तो माइनस 28 बराबर एन और ये ए प्लस 4 हो गया बच्चों। तो मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, चिपका दूँ बच्चों इसको, इस वैल्यू को मैंने यहाँ चिपका दिया, तो माइनस 28 बराबर एन, ए की जगह मैंने चिपका दिया बच्चों 6 माइनस 2 है प्लस 4। बोलो भाई कोई डाउट। अब 6 प्लस 4 बच्चों कितने होंगे, 10 माइनस 2 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब अगला स्टेप देखो बच्चों, यहां लिख रहा हूं इसको, जब मैं यहां से ये जो इक्वेशन थी आपको यहां पे लिख देता हूं इसको, एक काम करो, ए की वैल्यू निकल चुकी ना, ए की वैल्यू कितनी है ये 6 माइनस 2 एन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है बच्चों, इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं हटा दें बच्चों। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, माइनस 28 बराबर 10 एन माइनस का 2n स्क्वायर, इसको बच्चों इधर ले जाओ, तो 2n स्क्वायर ये प्लस का बच्चों इधर हो गया, माइनस ये माइनस का था बच्चों, कोई डाउट। मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया 10n और 2n स्क्वायर, इसको बच्चों इधर ले आया, क्योंकि हमेशा जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है ना वो हमेशा कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर ले आया, ये भी इधर आ गया बच्चों, सब में 2 कॉमन है, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0, ये 2 बच्चों नीचे आएगा, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14 बराबर 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 7 14 के फैक्टर कर लो बच्चों, 7 और 2 तो माइनस का 7n होगा बच्चों, प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0, n यहां से कॉमन निकाला n माइनस 7 और 2 बच्चों कॉमन निकाला n माइनस 7 बराबर 0, n फैक्टर हो गया आपके n प्लस 2 और 1 हो गया बच्चों n माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोगों ने यहां पे क्या किया बच्चों, आपका जो फैक्टर था बच्चों यहाँ पे एन प्लस टू बराबर जीरो हो गया एंड एन माइनस सेवन बराबर बच्चों जीरो, तो एन की वैल्यू होगी माइनस टू, और मैंने अभी आपको बताया था एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ बच्चों एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, 7 निकल के आएगी, सही है आपकी एन की वैल्यू आ गई। नाउ पुट
एन इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये थी आपकी a बराबर 6 माइनस 2n देन 6 माइनस 2 इनटू 7 2 7 जब बच्चों 14 एंड 6 माइनस 14 बच्चों कितना हो गया माइनस 8 आपके पास a भी आ गया आपके पास बच्चों n भी आ गया ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों यही पूछा गया था तो बस इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये था बस आपको एक वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर क्या करनी थी बच्चों पुट करनी थी और यहाँ पर बच्चों हमारे इसके 10 के 10 पार्ट बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं खत्म होते हैं बच्चों ठीक है तो ये पूरा लेक्चर था ये क्वेश्चन मैंने करवाना चाहता था आप लोगों को ताकि आपके लिए प्रिजर्व रहे मेरी बात तो यूट्यूब पे ठीक है जिसका आप बार बार देख सकते हो और सब में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है बस बस ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आपको बताऊँ आप इन्हीं क्वेश्चन को दो दो बार प्रैक्टिस कर लोगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके बाद के जो क्वेश्चन लेंगे ना सब बिल्कुल क्लियर होंगे आपके लिए आप फटाफट करोगे उनको सही है ठीक है बच्चों तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब तक के लिए बच्चों मुस्कुराते रहें ख्याल रखें अपना ठीक है और पढ़ते रहें।